ओम शांति। आज साकार महावाक्य 2/2/2023 मधुर संतान माने एकमात्र ईश्वरंकर मत ही श्रेष्ठ मत अटे। जो मत उपरे चलिले ही तुम्हें माने सच्चा सुना होइजिव। दुनिया रा आउ सब मत असत्य करिदै थांती। प्रश्न, केउं गोटिए पाठ एकमात्र ज्ञानर सागर बाबांक भीतर ही भरा होइछि, जहा कि कौनसी मनुष्य आत्मामानंक भितरे नाही। उत्तर, बाबा कहुछंती मो आत्मारे भक्त मानंकर पालना करिबार, समस्तंकु सुख देबार पाठ रहिछि। मो ज्ञानर सागर समस्त आत्मामानंकर पिता, समस्त संतानमानंक उपरे अविनाशी ज्ञानर वर्षा करुछि, जेउ ज्ञानरत्नर केही भी मूल्यांकन करिपारिबे नाही। मो मुक्तिदाता आत्मिक पंडा होई तुम आत्मा मानंकु शांति धाम को नहीं जाऊछि। एसबु मोर ही पाठ, मु कहा को दुख दिए नाही, सेथिपई समस्ते मोते नयनरे रखी थांती अर्थात श्रद्धा करी थांती। रावण महाशत्रु दुख दे थाए, सेथिपई तार कुश पुतलिका जलाई थांती। ओम शांति। बाबा ओम रे अर्थत पिला मानंकु बुझाई देइछंती, ओम अर्थात मु आत्मा, बस अर्थ ही एते छोटो, एपरी नुहे जे मु ईश्वर। जदि पंडित आदि को पचारिब जे ओम रा अर्थ कौन, तेबे से बहुत लंबा चौड़ा कथा सुनाइबे आउ यथार्थ कथा सुनाइबे नाही। यथार्थ एवं अयथार्थ, सत्य ओ असत्य, सत्य तो एकमात्र बाबा, बाकी ही समय रे तो असत्यर राज्य चलिछि। राम राज्य को ही सत्यर राज्य बोली कहाजिव एवं रावण राज्य को असत्यर राज्य बोली कहाजिव। तेणु से माने अयथार्थ कथा ही सुनाउछंती। बाबा हेउछंती सत्य, तेणु से सब सत्य कथा सुनाई खाली सुना सुनाई देउछंती, पुणी माया आसी असत्य करी देउछि। वर्तमान समस्तंक भितरे मायार प्रवेशता होइछि, तेणु मनुष्य जहा किछि कहिबे ताहा असत्य ही कहिबे, जहाँ को आसुरी मत कहा जाए। बाबांकर तो ईश्वरीय मत अटे, आसुरी मत वाला मिथ्या कथा ही कहिबे। आसुरी मत दुनिया रे अनेक रहिछि, गुरु मध्य अनेक रहिछंती, सेमानंकर मत को श्रीमत बोली कहा जीव नाही। एकमात्र ईश्वरंकर मत को ही श्रीमत बोली कहा जीव। एबे तुम्हें माने जानुछ जे आमे श्रीमत रे चली श्रेष्ठ हेउछु। सबुठारु श्रेष्ठ हेउछंती परम पिता परमात्मा, जे कि सबुठारु उच्चरे रहुछंती। सबु भक्त माने तांकु ही स्मरण करुछंती। भक्त श्रीमत को मने पकाउछंती, तेबे निश्चित कोनोसी आसुरी मत मध्य रहिछि। एबे तुमे माने श्रीमत आधार रे श्रेष्ठ होइछ, तेनु सेठारे भगवान को मने पकाइबा दरकार ही नाही। देवी देवता मानंकर कौनसी दुख नाही, तेणु तांको मने पकाइबा दरकार नाही। भक्त मानंकर त अपार दुख रहिछि, एबे त आहुरी दुखर पहाड़ आसिबो, महाभारी लड़ी। एहा मनुष्य मानंक पई दुखर पहाड़ सदृश अटे, तुम मानंक पई पुणी सुखर पहाड़ रहिछि। दुख परे सुख निश्चित आसिबो, एही विनाश परे पुणी तुमर ही राज्य हेबो। एही युद्धरे अनेक धर्मर विनाश एवं जेउ धर्म प्राय लोप होई जायछि तार स्थापना हेबो, अर्थात एही महाभारत लढ़ई द्वारा सरकार द्वारा खोलिबो। एही द्वारा दे केउ माने जिबे, जेउ माने वर्तमान राजयोग सिखुछंती सेही माने जिबे, एवं एही राजयोग बाबा ही सिखाउछंती। जेउ माने प्रियतम बाबांक साथीरे अछंती सेमानंक पई एही ज्ञान वर्षा हेउछि। बाबांको प्रियतम बोली कहा जाय, हादर वर्षा तो पानीर सागर रु ही बाहरी थाए, यह तो अविनाशी ज्ञान रत्नर वर्षा अटे। जी प्रियतम साथी अथवा ज्ञान सागर साथी अच्छा से मानी अविनाशी ज्ञान रत्नर वर्षा होउछि। अविनाशी ज्ञान रत्न गुड़िक तुमर बुद्धि रूपी झूलारे धारणा होउछि, पाठ को बुद्धि धारण करा जाय थाए ना। आत्मा तो मन बुद्धि सहित रही, तेणु सी ही ज्ञान को धारण करुछि। जेपरी आत्मार शरीर अच्छी सेपरी मन बुद्धि मध्य रही, बुद्धि द्वारा ही ज्ञान को ग्रहण करा जाय थाए। ग्रहण सेते बेले करंती जेते बेले जोगरे रुहंती। बाबा बहुत सहज कथा बुझाउछंती, मनुष्य माने तो बहुत कष्ट सुनाउछंती। शास्त्र रे मध्य बहुत मत रही, गीतारे मध्य बहुत प्रचार होइथाए।
गोटी गोटी अध्याय रे अर्थ बसी बुझाई थांती अनेक गीता रचना करी देछंती आउ कोनोसी शास्त्र नाही जहा पई कुहाजी बजे अमुकर शास्त्र अमुकर वेद केवल गीता पई कही थांती गांधी गीता टेगोर गीता ज्ञानेश्वर गीता अष्टवक्र गीता गीतार बहुत नाम रखी देछंती अन्य सब वेदशास्त्र एत नाम रखा जाए ना किंतु मनुष्य मैंने किसी भी बुझुना यह ज्ञान ही प्राय लोप हो जाऊँगी तेणु वर्तमान दैवी साम्राज्य किपर के मिले निश्चित जे सत्ययुगर स्थापना करे सी ही देवे एवं बाबा आसी तुम मानक स्वर्गर राजत्व देवाई ता पी एक जन्मपाई गायन मध्य करा जाए जे कुमारी सी जे एक कूलर उद्धार करे तेबे से ही कुमारी किए तुम्हें समस्ते से ही कुमार कुमारी तुम्हें कहा को भी श्रीमद द्वारा अथवा बाबा मत द्वारा एक जन्मर राज्य भाग्य प्राप्त कराई पार पाठशाला जो मैंने पाठ पढ़ती से मैंने जाणी था आम छात्र अटु अने सब सत्संगे निजक छात्र बोली भावती ना छात्र बुद्धि लक्ष्य उद्देश्य रही थाए तुम्हें मैंने ईश्वरीय छात्र अट भगवान उवास मु तुमको राजजोग सिखाऊ मनुष्य रु देवता करुच्छी देवता मानकर राजधानी थिला जेपरी राजा राणी देवी देवता से हीपरी प्रजा नर रु नारायण होइथांती एहा ही आमर लक्ष्य एवं उद्देश्य एपरी नुहे जे राजा राम बाराणी सीता बनाइबे एहा हेउछि राजजोग एहा द्वारा बाबा आमको राजा मानकर राजा करुछंती हराइथिबा राज्य देवाई मुकल्पे थरे आसुची जो राज्य को कई मनुष्य छड़ाई नहीं पारे ना किंतु माया एवं छड़ाई नहीं तेणु माया उपरे विजय प्राप्त करने को हेबो दुनिया रे राजा मानंक भितरे लड़ई होई थाए से माने परस्पर उपरे विजय प्राप्त करने लड़ी थांती एबे तो प्रजाकर प्रजा उपरे राज्य हो जाइछि हदर राजा मानंक भितरे अनेक थर लड़ई लगी जहाद्वारा हदर राजत्व मिले थाए किंतु एही जोगबल द्वारा तुम्हें माने विश्वर राजधानी स्थापन करुछ एहाकु अहिंसक लड़ई कहा जाउछि लड़ई अर्थात एठारे मरीबा मारीबार कथा नुहे एहा हेउछि जोगबल एवं केते सहज बाबांक सहित जोग लगाइबा द्वारा आमे विकर्माजित होइथाउ पुणी कौनसी मायार आक्रमण हेबो नाही हाथ सफेर खेल देखाई थांती ना से माने मुखरे मुहलरा पकाइबारु माया चली जाउथिला जेते बेले मुहलरा बाहर करुथिले तेबे माया आसी जाउथिला सेहिबले आला अवलदिंड मध्य नाटक रहिछि ठक ठक करिबा मात्रे स्वर्ग आसी जाउथिला ताहा हेला बहिस्त अथवा स्वर्ग एबे बाबा आसी ब्रह्मांक द्वारा स्वर्गर स्थापना करुछंती परमपिता परमात्मा कण नरकर स्थापना करिबे कि जदि एहिपरि होइथांता तेबे तांकर पितुला तयारी करिथांते पितुला त रावणर करा जायछि काहेकि ना रावण ही समस्तंकर शत्रु अटे बाबा जे कि स्वर्गर स्थापना करुछंती ताकु त नयनरे रखा जाउछि बाबा कहउछंती भक्त माने मने पकाउछंती कहउछंती एठाकु आसी दुखर उद्धार कर सेथिपई मु आसी मुक्त करुछि बाबा मुक्तिदाता अटंती रूहानी पंडा मध्य अटंती तुम मानक निजर शांति धाम को नहीं जाउछंती जे माने बाबांक साथी रे अछंती से मानक पई अविनाशी ज्ञानरत्नर वर्षा हेउछि जे ज्ञानरत्नर मूल्यांकन करा जाई पारिबो नाही बाबा ज्ञानर सागर अटंती तेबे निश्चित तांक आत्मारे मध्य पाठ भरी होई रहिछि परमपिता परमात्मा निजे मध्य कहउछंती जे मोर एसे ही आत्मा जहाँ को तुम्हे माने परमात्मा बोली कहुछ मो भितरे मध्य पाठ भरी होई रहिछि भक्त मानक संभाळिबा समस्तंकु सुख देबा एहा ही मोर पाठ दुख त माया देथाय भक्त मानक अल्प समय पई सुख देबा मध्य मोर पाठ अटे मु ही साक्षात्कार कराई थाए एवं दिव्य बुद्धि दे थाए जहाँ को ज्ञानर तृतीय नेत्र कहा जाए जहाद्वारा तुम बुद्धि गडरेजर ताला खोलुची तेणु मोर मध्य पाठ रही जे माने बाबा साथी अच्छा से मानी ज्ञानर वर्षा होते सब संतान किभली एकत्र साथी रहीपारे
जदिओ तुमे माने बाबांको स्मरण करुछ अर्थात तुमे माने बाबांको साथीरे रहिछ के लंडन आउ के तेबे कोन से माने साथीरे अछन्ती तांको पाखको मध्य मुराली जाउछि जदि के बुद्धिमान ज्ञानी होइथिबे से गोटिए सप्ताह मध्य फल भाबरे पुछिगले तांको मु स्वदर्शन चक्रधारी करि देथान्ती 84 जन्मर स्वदर्शन चक्रर रहस्य एबे तुम्हें माने बुझुछ जो स्वदर्शन चक्र घुराई तुम्हें माने माया रावणर मुंड काटी देउछ अर्थात ता उपरे विजय प्राप्त करुछ बाकी मुंड काटिबार कौनसी कथा नहीं से माने पुनी हिंस्रक अस्त्र शस्त्र वास्तवरे शंख हेउछि एही मुख चक्र घुराइबा एहा हेउछि बुद्धिर काम तेबे एही अलंकार भक्ति मार्गरे बहुत देइछन्ती शास्त्र आदि जहाँ भक्ति मार्ग रे चालुछि ताहा ड्रामा अनुसारे पुणी चालिबो होई पारे जदि ही प्रकृत गीता कहा हाथ को आसीगला तेबे एथिरु मध्य किछि लेखि देबे बाकी सब से ही गीता ही बाहरिबो एठाकर किछि किछि शब्द सेथिरे अछि भगवान उपाद शब्द ठीक अछि राजयोग मध्य ठीक अछि बाबा कहुछन्ती एबे घर को जीवा को हेबो एही शरीर सहित सबु किछि भुलिबाकु हेबो एहा बदलरे तुमको पवित्र शरीर मिलिबो तुमर आत्मा मध्य पवित्र होइछिबो धन मध्य तुम पाखरे असरन्ति रहिबो तुम पाखरे लोभ मध्य बहुत रहिछि किंतु एहाकु शुद्ध लोभ कहा जाउछि जहा द्वारा सारा भारत शुद्ध हेउछि भारतवासी चाहुछन्ति जे रामराज्य हेउ एक गवर्नमेंट एक देश एक मत अद्वैत मत हेउ अद्वैतर अर्थ ही हेउछि देवता एठारे तो आसुरी मत रहिछि श्रीमत बिना आउ सबु आसुरी मत अटे जेऊ कारणरु परस्पर भितरे लड़ी झगड़ा करुछन्ति ईश्वरक संतान न होइथिबा कारणरु निर्धन अर्थात अनाथ होइ जाइछन्ति सत्ययुगरे देवता माने साहूकार थिले सेठारे जीवजंतु माने मध्य केबे लड़ी झगड़ा करंती नाही एठारे तो समस्ते लड़ी झगड़ा करुछंती सत्ययुगरे समस्तंक ठारे बेहदर सुख रहिबो एबे तुमे माने जानुछ जे आमे बापांक ठारु ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार नेउछु ईश्वर सम्मुखरे अछंती ना कहुछंती मु कल्पकल्प स्वर्ग स्थापन करिबाकु आसुछि तुममानक पई चमत्कार उपहार नै आसुछि बाबा कहुछंती मोर गेल्हा सिकिलाधे पिला माने तुमे माने 5000 वर्ष परे आसी मो सहित मिसुछ एही भली कथा आउ केही कहि परिबे नाही जदिओ निजको ब्रह्मा विष्णु शंकर कहुछंती किंतु एपरि कथा कहाकु कहि आसिबो नाही एहाकु केही कपि मध्य करि परिबे नाही बाबा कहुछंती मोर गेल्हा सिकिलाधे पिला माने 5000 वर्ष परे पुणी थरे तुमे आसी मो सहित मिसुछ केवल तुमे ही आसी मिसुछ पुणी बहुत संतान मध्य आसी मिसिबे राजधानी स्थापन करिबारे बहुत परिश्रम करिबाकु पड़ुछि जणे राजाराणी रहिबे पुणी तांकर संतान वृद्धि होइ चालिबे भारत रे केते राजकुमार राजकुमारी रहिबे धरिनिया लक्षे 2 लक्ष हेबे पुणी प्रजा 40-50 कोटी हेबे तेबे एही लक्ष्य बहुत उच्च एहा हेला बाबांकर विश्वविद्यालय तेणु केते भल भावरे पुरुषार्थ करिबा दरकार बाबा तो कहिबे जे तुमे राजा मानकर राजा हो प्रजा नुहे सेही माने ही हेबे जेउ माने कि कल्प पूर्वरु होइथिबे मु साखी होइ देखिबि जे किए केउ प्रकारर वर्षा नेउछन्ती केही केही तो एकदम चाबुड़ी धरुछंती कहीं ना ये सबुठारु प्रिय बाबा अटंती जेपरी चुंबक पाखकु छुंची टाणी हुई चली जाई थाए काहाठारे अधिक काहाठारे कम जंक लागी थाए तेबे जेउ माने निकटरे थिबे से माने आसी मिसिबे जंक लागी नथिबा छुंची को चुंबक टाणी थाए बाबा अमर जंक छड़ाई एभली चमकाई देउछंती जे तुम्हें सेठारे बाबांक साथीरे रहिबो तुमको रुद्र माळारे आसिबाकु हेबो एहार गायन मध्य रहिछि किंतु जानि नाहंती जे एहा कहार माळा बाबा कहुछंती मोर माळारे जेउ माने आसिबे से माने स्वर्गर मालिक हेबे भक्त माळाकु मध्य तुमे माने बुझि गलाणी
ताहा रावणर माला अटे। प्रथमे रावणर मालारे किए आसुछंती, पूज्यर पूजारी किए हेउछंती, निजे पूज्य देवता पुणी पूजारी हेउछंती, गुह्या कथा को भल भाव बुझा को हेब। तुम्हें माने महादानी अट, देह सहित निजर सबकिछि बाबांक पाखरे समर्पण करुछ, किंतु सन्यासी माने महादानी हेउ नाहंती। से माने तो घरद्वार छाड़ी जंगल को चली जाउछंती। तुम्हें सबकिछि ईश्वर को अर्पण करुछ, सबकिछि ईश्वर पितांक पाई करुछ। पुणी बाबा कहउछंती, मोर सबकिछि तुममानंक पाई। जेतेबेले मनुष्यर मृत्यु हुए तार सबकिछि दान नेउथिबा ब्राह्मण को देइ देथांती। बाबा कहउछंती, मु मध्य दान नेउथिबा ब्राह्मण अटे। तुम पाखरे जहा किछि पुरुणा जिनस अछि सबु दान करुछ, बाबांक पाखरे समर्पण हेउछ, तथापि एसबु तुमर कामरे ही आसी थाए। बाबा तो घर आदि मध्य निज पई करुनाहंती। शिव बाबा दाता अटंती, सारा स्वर्गर राजत्व तुमको देउछंती, सेतिपई बाबांको सौदागर बोली मध्य कहा जाए। एहा केते मिठा कथा अटे। परीक्षा शेष होबाकु जाउछि, संतान माने पचारुछंती, बाबा परीक्षा केबे शेष होइब? बाबा कहउछंती, जेबे तुमर मृत्युर समय आसीब, जेतेबेले एही ज्ञान पूरा हेबो सेतेबेले एही विनाश आरंभ हेबो। पुणी तुम मुखरे सुवर्ण चामच थिबो, अर्थात तुमे सत्ययुगरे जन्म नेब एवं तुमको एही सुनार चामच मिलिब। एठारे तो 30-40 वर्ष पाठ पढ़ुछंती, तेबे तार फल एहीठारे ही मिले जाउछि, किंतु तुमर ही पाठपढ़ा भविष्य पई। भविष्य रे तुमे जन्म ही राजकुमार हेब, तेबे परीक्षा सेतेबेले शेष हेब जेतेबेले कि विनाश आरंभ हेब। गोटे पटे पाठपढ़ा शेष हेब एवं अन्य पटे विनाश आरंभ होइजिब, बाकी रियल साल बा पूर्वाभ्यास होइ चालिब। तुमको ए पाठपढ़ार फल पुणी नुआ दुनिया रे मिलिब, सेठारे आत्मा शरीर एवं राजत्व सब नुआ हेब। एहा बहुत गुह्य एवं धारणा करिबार कथा, तेणु पाठपढ़ा केबे छाड़ीबा उचित नुहे। बाबा एही कथा बुझाउछंती, तेणु एहा आश्चर्यजनक कथा हेला ना। जेउ माने डेरी रे आसुछंती से माने मध्य तुरंत ज्ञान जोगरे लागी पड़ुछंती, तेणु से माने मध्य उच्चपद पाई परिबे। अच्छा, धारणा पाई मुख्य सारांश। एक नंबर, शरीर एवं आत्मा उभय को पवित्र करिबा पाई एही पुरुणा शरीर सहित सबु किछि भूली जिबाकु हेब। देह सहित बाबांक उपरे पूरा पूरा बलि चढ़ी बा समर्पित होई महादानी हेबाकु पड़िब। दुई नंबर, बाबांकर श्रीमतरे चली बेहदर सुख अनुभव करिबाकु हेब। एही शुद्ध लोभ रखिबाकु हेब जहाद्वारा कि सारा विश्व सुखी होई पारिब, बाकी अशुद्ध लोभ को त्याग करिबाकु हेब। वरदान, अमृत बेलार महत्व को जानी महान हेउथिबा विशेष सेवाधारी हुआ। सेवाधारी अर्थात सर्वदा आखि खोलिबा मात्र के बाबांक साथीरे रही बाबांक समान स्थितिर अनुभव करिपारुथिब। जेउ माने विशेष वरदान प्राप्त करिबार समय को जानिछंती एवं वरदान को अनुभव मध्य करुछंती, सेही माने ही विशेष सेवाधारी। जदि यार अनुभव नाही तेबे साधारण सेवाधारी अट, विशेष नुह। जेउ मानको अमृत बेलार संकल्पर समयर एवं सेवार महत्व जणा अछि, सेही आत्मा माने नीचे मध्य महान होई थांती एवं अन्य मानको मध्य यार महत्व सुनाई महान करि दे थांती। स्लोगान, जीवनर महानता हेला सत्यतार शक्ति, जहा पाखरे सबु आत्मा माने आपे आपे मुंड नुआई थांती। ओम शांति।